हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 7 हमारा चल रहा है, इसका नाम है परिवहन तथा संचार। देखिए हम टॉपिक जो ले रखा है हमने वो परिवहन से संबंधित है, ठीक है। संचार का टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो पिछले वीडियो जो आए हमारे वो परिवहन से संबंधित है। परिवहन के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि परिवहन एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से व्यक्ति व माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि परिवहन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। हमने पिछले वीडियो में स्थल परिवहन के बारे में पढ़ लिया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन के बारे में बताया था। आप चाहो तो पिछले वीडियो में जाके आप पढ़ सकते हो। आज का जो सेकंड नंबर का बिंदु है वो जल परिवहन से संबंधित है। देखिए जल परिवहन आप सब जानते हैं कि जल परिवहन एक ऐसा साधन है, ऐसा परिवहन है जो कि माल व यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। ये समुद्र, नदी, ठीक है, इसके अलावा आपके पश्च जल क्षेत्र, खाड़ी क्षेत्र, यहां पर यह संचालित होता है। ये एक तट से दूसरे तट को, एक द्वीप से दूसरे द्वीप को, एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ने का काम जल परिवहन करता है। अब पहले तो आपको जल परिवहन की परिभाषा लिखनी है। जल परिवहन की क्या परिभाषा लिखनी है तो सुनिए। भारत में जलमार्ग माल व यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जाता है, ये एक जल परिवहन का साधन है, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में अगर परिभाषित करें तो लिखेंगे क्या, जल परिवहन एक ऐसी प्रणाली है, या कहे एक ऐसी परिवहन प्रणाली है जो माल व यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, ठीक है। मतलब जल परिवहन एक ऐसी परिवहन प्रणाली है जो कि माल को, यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। इसके अलावा जल परिवहन एक द्वीप से दूसरे द्वीप को जोड़ता है, ठीक है, या फिर हम कहें एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ता है, ठीक है। मतलब ये कि एक ऐसा परिवहन है जिसके माध्यम से एक द्वीप से दूसरा द्वीप, एक महाद्वीप से दूसरा महाद्वीप, स्थान, जमीन जुड़ती है इस परिवहन के माध्यम से। अब आपको मैं बता दूं, इतने परिवहन हैं, जल परिवहन है, वायु परिवहन है, स्थल परिवहन है, लेकिन सबसे सस्ता परिवहन आपका जल परिवहन है, ठीक है। देखेंगे यह परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है। अब उसका कारण भी है। देखिए उसका कारण क्या है कि एक तो ये जो परिवहन है ये भारी स्थूल पदार्थों का परिवहन करता है। अब देखिए भारी स्थूल पदार्थ जब किसी परिवहन साधन के ऊपर जब चलते हैं तो उसमें घर्षण बल होता है। अब जैसे कि स्थूल पदार्थों की बात करें स्थल मंडल के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रक है, उस ट्रक के ऊपर माल लाद दिया आपने और उस वजन के साथ में जब वो ट्रक चलता है तो जमीन और ट्रक के टायर के बीच में घर्षण होता है, जिससे कि ईंधन बहुत खर्च होता है। लेकिन यहां पर जल परिवहन जो है ये पानी की सतह पे चलता है, कितना ही भारी स्थूल पदार्थ डाल दीजिए लेकिन पानी की सतह बहुत चिकनी होती है। इसके कारण एक वो, और दूसरा हवा जब चलती है तो वो जो घर्षण बल होता है वो बहुत ही कम काम करता है, इसलिए ईंधन बहुत खर्च कम होता है। इस कारण से ये परिवहन क्या है, सस्ता परिवहन, घर्षण बल कम होने के कारण। जल में घर्षण बल कम खर्च होता है, कम काम करता है, इसलिए ईंधन भी कम काम करेगा। और स्थूल पदार्थों को अगर स्थल मंडल पे अगर चलाएं ट्रकों के माध्यम से या किसी भी ट्रेन के माध्यम से तो वहां पर घर्षण बल ज्यादा लगता है, ठीक है। लिखेंगे यह परिवहन भारी स्थूल पदार्थों का परिवहन करता है, ठीक है। इसमें
घर्षण बल कम काम करता है जिसके कारण ईंधन की खपत कम होती है। ठीक है, और ईंधन की खपत जब कम होगी तो सीधी सी बात है आपका परिवहन भी क्या हो गया, सस्ता परिवहन हो गया। ठीक है, और सुनिए इस परिवहन की विशेषता। ये जो परिवहन है वो ईंधन दक्षता और पर्यावरण के अनुकूल है, मतलब इससे पर्यावरण को कोई भारी नुकसान नहीं पहुंचता है और ईंधन के लिए तो बहुत ही दक्ष तरीके से यह परिवहन काम करता है। ठीक है, यह परिवहन ईंधन दक्षता व पर्यावरण अनुकूलन है। आगे वाचन में, ठीक है, बिल्कुल सीधी सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है कि जल परिवहन की क्या क्या विशेषताएं। अब आगे सुनिए, जल परिवहन के प्रकारों की बात कर लेते हैं। देखिए, जल परिवहन के प्रकार दो तरह के होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला जो बिंदु आता है ये आपके अंतःस्थलीय जलमार्ग, अंतःस्थलीय जलमार्ग होते हैं। अब नाम से पता चल रहा है अंतः अंदर, स्थल स्थल के अंदर। अब जैसे कि मान लीजिए आप किसी शहर के अंदर निवास करते हैं और आपके पास से कोई नदी बह रही है, वो अंतःस्थलीय जलमार्ग। या फिर हम कहें कोई पश्च जल क्षेत्र है, कोई तालाब है, या फिर हम कहें कि कोई बड़ी झील है। ठीक है, नदी हो सकती है, झील हो सकती है, ये सब के सब, या सकरी खाड़ी हो सकती है, नहर हो सकती है, ये सब के सब अंतःस्थलीय, मतलब अंदर, अंत मतलब अंदर, स्थल के अंदर जो जलमार्ग होता है, किसी सिटी के बीच में हो के राज्य के बीच में हो के अगर कोई पानी बह रहा है तो वो एक तरीके से अंतःस्थलीय जलमार्ग है। मतलब नदी के ऊपर परिवहन हो, ठीक है, झील के अंदर परिवहन हो, उन्हें कहते हैं अंतःस्थलीय जलमार्ग। सेकेंड नंबर पे आता है आपका महासागरीय जलमार्ग। ठीक है, महासागरीय जलमार्ग। अब महासागरीय मतलब महासागर के अंदर जब जहाजों का आवागमन होता है तो वो महासागरीय जलमार्ग कहलाते हैं। मतलब इसका जलमार्ग जो है वो महासागर में रहेगा। ठीक है, चलिए अब ये दो बिंदु हमारे सामने हैं, इन दोनों बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, इनकी विशेषताओं के बारे में, इनकी क्या भूमिका है परिवहन के अंदर। ठीक है, और अंतःस्थलीय और महासागरीय जलमार्ग किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाते हैं उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहला बिंदु डाल लीजिए अंतःस्थलीय जलमार्ग, और यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, पहला बिंदु मैंने डाल दिया है अंतःस्थलीय जलमार्ग। देखिए, अंतःस्थलीय जलमार्ग मैंने आपको समझा दिया है कि अंतःस्थलीय जलमार्ग का तात्पर्य होता है स्थल भाग के आंतरिक क्षेत्र में जो परिवहन का साधन कह दीजिए वो अंतःस्थलीय जलमार्ग के अंतर्गत आता है। लेकिन इन परिवहनों को भी, या कहे अंतःस्थलीय जलमार्ग को भी, एक कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। वो कड़ी प्रतिस्पर्धा रेल और सड़क परिवहन से है। जब से, अब हम मैं प्राचीन समय में जाऊं तो हमारे अंतःस्थलीय जलमार्गों का परिवहन में बड़ा योगदान रहा है। ठीक है ना, क्योंकि पहले तो ना कोई ट्रेन थी, ना कोई इतनी सड़क परिवहन मजबूत थी, इतनी सुचारू रूप से विस्तार नहीं था रेल और सड़क का। लेकिन पहले नदियां बहुत बहती थी, झीलें थी, नहरें थी, और उसी के माध्यम से आवागमन होता था, आवागमन होता था परिवहन का। लेकिन फिर धीरे धीरे जब भविष्य जैसे विकास की ओर बढ़ा तो रेल भी आई, सड़क भी आई। अब इस रेल और सड़क परिवहन ने आपके अंतःस्थलीय जलमार्ग की महत्वता को बिल्कुल धीमा कर दिया। इस परिवहन का महत्व कम होने का प्रमुख कारण भी है, जैसे कि नदियों का पानी का जो जल होता है उसका उपयोग सिंचाई कार्य में होने लगा, जिसकी वजह से जल स्तर जो है वो बहुत ही नीचे चला गया और परिवहन बहुत ही कम होने लगा। ठीक है, तो महत्व भी है और कमी होने का कारण मैंने आपको बता दिया, इसको आप कैसे मेंशन करना है लिखेंगे। देखिए, अंतःस्थलीय जलमार्ग स्थल मंडल के आंतरिक भाग या स्थल भाग के आंतरिक भाग में यह परिवहन विशेष है। ठीक है, परंतु रेल व सड़क
परिवहन ने इसका महत्व कम कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ इसको एक लाइन और जोड़ देंगे, इस जलमार्ग का महत्व कम होने का प्रमुख कारण नदियों के जल का सिंचाई में उपयोग करना, जिससे नदी जल स्तर कम हो गया। आगे बात समझ में? मतलब महत्व कम होने का कारण एक तो रेल सड़क परिवहन ने इसका महत्व कम कर दिया, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इस परिवहन का कम होने का प्रमुख कारण नदी जल का अधिक से अधिक उपयोग सिंचाई कार्य में जाना, जिससे कि नदी जल स्तर डाउन हो गया, नीचे हो गया। अब परिवहन होगा कैसे? तो परिवहन कम हो गया। देखिए, भारत के अंदर 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है नौकायन, मतलब इसमें नावें चलती है, और परिवहन का 1% योगदान देता है, जिसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, नदियां आती है, नहर आते हैं, पश जल क्षेत्र आता है, सकरी खाड़ियां आती है, इन क्षेत्रों के अंदर परिवहन का कार्य होता है। ठीक है, इसको मेंशन कर देंगे, लिखेंगे क्या, भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा नौकायान जलमार्ग है। आगे बात समझे, 14,500 किलोमीटर लंबा नौकायान जलमार्ग है, और इस जलमार्ग का, इस जलमार्ग पे जो परिवहन होता है वो परिवहन का 1% योगदान, मतलब इस परिवहन का 1% योगदान परिवहन क्षेत्र में है, जिसके अंतर्गत नदियां आती है, ठीक है, नहरें आती है, आगे बात सब में, लैगून, पश जल क्षेत्र, सॉरी लैगून को हटा दीजिए, पश जल क्षेत्र आते हैं, और सकरी खाड़ियां आती हैं। समझ में बात? मतलब आपका जो परिवहन होता है अंतस्थलीय कहां पर, नदियों में, नहरों के अंदर, पश जल क्षेत्र में, सकरी खाड़ियों में, यहां पर ये परिवहन होता है। ठीक है, वर्तमान में 5,685 किलोमीटर प्रमुख नदी जलमार्ग चपटे तल वाले, मतलब ऐसे जहाज जिसके नीचे का जो भाग होता है वो चपटा होता है, वो व्यापारिक जलपोतों के लिए नौकायन योग्य है। मतलब ये कि अभी प्रेजेंट टाइम पे 5,685 किलोमीटर प्रमुख जलमार्ग जो हम कहेंगे, इतना लंबा जलमार्ग कहां मिलेगा आपको, नदियों के अंदर, और जहां पर चपटे तल वाले जहाज चल रहे हैं व्यापार के लिए। ठीक है, इसको मेंशन कर देंगे, वर्तमान की बात है, अभी प्रेजेंट की बात है ये। ठीक है, वर्तमान में 5,685 किलोमीटर लंबा जलमार्ग व्यापारिक जल पोत, या फिर हम कहें चपटे तल वाले जलपोतों को परिवहन की सुविधा नदियों के द्वारा दी जा रही है। आगे बात समझे? मतलब यह है कि भारत में अभी प्रेजेंट टाइम पे 5,685 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है, जो कि व्यापारिक जलपोत, मतलब आपके जो व्यापार के लिए नौकायन है उनके लिए चपटे तल वाले जलपोतों को परिवहन की सुविधा नदियों के द्वारा, प्रमुख रूप से प्रमुख नदियां जो है उनके द्वारा ऐसी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अभी और भी है, अंतस्थलीय जलमार्ग थोड़ा लंबा है, और मैं आपको बताऊंगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, अंतस्थलीय जलमार्ग जो स्थल मंडल के अंदर है, स्थल भाग के अंदर है, और ये प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इसका महत्व कम हो गया रेल और सड़क के माध्यम से। और भी प्रतिस्पर्धा, जैसे कि नदियों का जल सिंचाई में ले लिया तो जल स्तर नीचे चला गया, भागेगा कहां से, आपके जहाज कैसे चलेंगे, ठीक है, जब पानी नहीं होगा तो सिंचाई में चला गया। 14,500 किलोमीटर लंबा नौकायान जलमार्ग,
इस परिवहन का 1% योगदान परिवहन में होता, मतलब इस मार्ग का उपयोग 1% परिवहन के अंतर्गत, या फिर हम कहें कि अंतःस्थलीय जलमार्ग का 1% भाग परिवहन में किया जाता है। इसके अंतर्गत जो भूमिका निभाती है, नदियां निभाती है, नहर निभाती है, जलपथ क्षेत्र, सकरी खाड़ियां, इनमें ये नौकायान कंडीशन चलती है। और वर्तमान में 5,685 किलोमीटर लंबा जलमार्ग जो है व्यापारिक जलपोत जो है उनको सुविधा प्रदान कर रही है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारे भारत के अंदर जितने भी राष्ट्रीय जलमार्ग है, इन जलमार्गों के विकास के लिए, अनुरक्षण के लिए, नियमन के लिए 1986 के अंदर अंतरस्थलीय जलमार्ग स्थापित किया गया था। भारत में अंतरस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 10 जलमार्गों की पहचान की, जिसमें प्रमुख रूप से केरल का पशजल क्षेत्र विशिष्ट है। आपको मैं बता दूं, ये परिवहन जो है सबसे सस्ता परिवहन है, भारी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और आपने एक नाम सुना होगा, नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़, जो कि वल्ला मलाकली में है, उपस्थित है, यहां पर ये नौका दौड़ करवाई जाती है। ये केरल का पशजल क्षेत्र है, जो परिवहन में भी काम आता है, पर्यटन में भी काम आता है। समझ आई बात? यहीं पर इसको मेंशन कर देंगे, लिखेंगे क्या, देश के राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है, हमारे भारत के अंदर जितने भी राष्ट्रीय जलमार्ग है उनके विकास के लिए, उनके अनुरक्षण के लिए व नियमन के लिए, नियमन हेतु 1986 के अंदर अंतःस्थलीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना के। ठीक है, मतलब ये जो अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण है, इसका काम क्या होगा, जितने भी राष्ट्रीय जलमार्ग है उनका विकास करना, अनुरक्षण करना और उनके लिए नियम बनाना। ठीक है, ऐसा ही भारत के अंदर मैंने बताया था, अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण ने, इसी प्राधिकरण ने 10 जलमार्गों को खोजा है जो कि प्रमुख है, जिसमें केरल का पश्चल क्षेत्र मैंने आपको विशिष्ट बताया। ठीक है, लिख देंगे, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 10 प्रमुख जलमार्गों की पहचान की। ठीक है, जिसमें प्रमुख केरल में पश्चजल क्षेत्र है, यह परिवहन क्षेत्र, देखो किस काम में आता है, एक तो परिवहन में काम आता है भारी मात्रा में, और लोगों को या कहे पर्यटन को आकर्षित भी करता है। वह नेहरू ट्रॉफी, जैसे कि मैंने बताया आपको, नेहरू ट्रॉफी, ठीक है, नौका दौड़, यहां कहां पर, वेल्ला मलाकली में होती है, जो कि प्रमुख है, मतलब इस पश्चल क्षेत्र की विशेषता केरल की, कि इस केरल की पश्चल क्षेत्र की विशेषता यह है कि यह परिवहन को बढ़ावा देता है भारी संख्या में, पर्यटकों को आकर्षित करता है भारी संख्या में। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ जो कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और ये प्रमुख भी है। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, ये एक तरीके से उदाहरण मान लीजिए। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग का एक छोटा सा उदाहरण दे दीजिए, तो आप केरल का, जो किताब में दिया हुआ है, केरल का पश्चल क्षेत्र एक छोटा सा उदाहरण आपको मैंने दे दिया। ऐसे तो 10 है, पर प्रमुख आपको मैंने बता दिया, प्रमुख केरल का है, और बाकी किताब के अंदर पूरी सारणी बनी हुई है, आप चाहे देख लीजिए। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा। सेकंड नंबर का पॉइंट डाल दीजिए आपका, अंतःस्थलीय जलमार्ग कंप्लीट होता। अब आता है महासागरीय जलमार्ग। अब ये महासागर में चलेगा, मतलब जो भी परिवहन होगा महासागर में होगा। भारत के पास में बहुत सारे द्वीप है,
और इन सारे द्वीपों को मिलाकर हमारे पास में एक बहुत अच्छी तटरेखा बनती है, 7517 किलोमीटर लंबा तटमार्ग है अपने पास में। और यहां पर इस तटमार्ग के ऊपर 12 तो प्रमुख और 185 गौण पत्न है, मतलब बंदरगाह है, और हमारी अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका भी निभाता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर का टॉपिक डाल दिया है महासागरीय जलमार्ग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत के पास में जितने भी द्वीप है उन द्वीपों सहित लगभग 7517 किलोमीटर लंबा एक व्यापक समुद्री तट मौजूद है। यह हमारी पहली लाइन होगी, लिखेंगे क्या, भारत के पास सभी द्वीप सहित 7517 किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री तट मौजूद है। आगे बात समझ में। अब इन्हीं तटों के ऊपर 7517 किलोमीटर लंबा जो समुद्री तट है, इन्हीं तटों के ऊपर भारत में 12 तो प्रमुख व 185 गौण, मतलब प्रमुख मतलब बड़े और गौण मतलब छोटे बंदरगाह है मौजूद है। समझ में आई बात, ये बंदरगाह की स्थिति है। अब हमारे पास इतना बड़ा तट है और तट है इसलिए इतने सारे बंदरगाह है। अब जब बंदरगाह होंगे तो परिवहन तो महासागरीय जलमार्ग प्रमुख होने वाला ही है। अब होने वाला कहां पर है, भारत की अर्थव्यवस्था में। भारत की अर्थव्यवस्था में इस जलमार्ग का विशेष महत्व है। क्लियर, समझ में आई बात। आगे सुनिए, भारत में भार के अनुसार लगभग 85% और मूल्य के अनुसार 70% विदेशी व्यापार इन्हीं महासागरीय मार्गों के द्वारा होता है। ध्यान से सुनिए, ठीक है, लिख देंगे, भारत के भार के अनुसार, ठीक है, भारत के अंदर भार वजन के अनुसार लगभग 85% व मूल्य के अनुसार 70% विदेशी व्यापार इन महामार्गों के द्वारा होता है। ठीक है, जो भी आपका जलमार्ग है, आपके महामार्ग है, इन्हीं महामार्गों के द्वारा इन्हीं महासागरीय जलमार्गों के द्वारा आपके ये परिवहन का कार्य होता है। ये मार्ग जो होते हैं बहुत सारे, तो द्वीप प्रमुख भूमि इनको आपस में जोड़ने के लिए ये परिवहन बहुत ही उपयोगी भी है। ठीक है, इसको मेंशन कर देंगे, ये मार्ग द्वीपों व प्रमुख भूमियों को जोड़ती है। आगे बात समझे, तो इस तरीके से हमारा महासागरीय जलमार्ग भी कंप्लीट होता है। महासागरीय जलमार्ग का व्यापारिक महत्व तो बहुत बड़ा है और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे व्यापार के लिए महासागरीय जलमार्ग जो है एक विशेष है, क्योंकि ये जलमार्ग जो है जितने भी बड़े बड़े महाद्वीप है उनको जोड़ने का काम करते हैं, इससे कि व्यापार का लेन देन चलता रहता है। ठीक है, तो यहीं पर आज हमारा जल परिवहन कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।